किसी नुकसान के इमरान खान एक बार फिर से लंच के बाद पहले ओवर की पहले गेंद अच्छी गेंद थी मिडल ऑफ कंपर गेंद की लाइन के पीछे आकर इस बार हल्के से पुश किया कवर क्षेत्र में को फील्ड किया रन बनाने का कोई मौका नहीं सलीम मलिक जो के कवर क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग करते हुए गेंद वापस कर दी कपिल देव के इमरान खान के हाथों में। इमरान खान जो के लंबे कद के गेंदबाज पाकिस्तान दुनिया में ऐसे चार गेंदबाज है रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड के कपिल देव भारत के इमरान खान पाकिस्तान के और यान मौसम इंग्लैंड के ये चार गेंदबाज ऐसे हैं जो कि अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और उनके नाम पर 300 से ज्यादा विकेट है। इमरान खान राइट आर्म ओवर द गेट है पर गेंद कर रहे सुनील गावस्कर को गेंद के लंबे पीछे आकर खूबसूरती के साथ गेंद को कट किया थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए और गावस्कर के बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा चौका और भारत का स्कोर 64 रन बिना किसी नुकसान से। और एक बार फिर से इमरान खान जो के अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए और थोड़ी फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। इमरान खान ने दो स्लिप अप ली है पहले स्लिप पर खुद सलीम मलिक आ गए हैं कवर के अंदर और दूसरी स्लिप पर इस वक्त जलालुद्दीन पर आ गए हैं पॉइंट पर कवर एक्सकवर मिडॉन फॉरवर्ड शॉट लेग इस फील्डिंग की जमावट के इमरान खान राइट आर्म राउंड गेंद अंपायर के पास से गुजरे अंपायर सुकून राणा और तेजिंग रियाज दोनों पर इस बार अच्छी गेंद थी गेंद की लाइन के पीछे आकर गावस्कर ने बैक टू द बॉलर खेला और इमरान खान ने अपना परफॉर्मेंस फील्ड किया और इसी के साथ इमरान खान का ओवर समाप्त किया भारत का स्कोर 63 बिना किसी नुकसान से और इसी के साथ लंच का समय यहाँ पे घोषित और मैं आपका कमेंटेटर देवजी भाई हेगड़ा आपको आकाशवाणी दिल्ली स्टूडियो वापस ले चलता हूँ।